एपिसोड 15। नाश्ते के बाद शाहजी ने मुझे दो इंजेक्शन दिए, टेम्परेचर चेक किया। सर में शदीद दर्द की शिकायत पर उसने हज़ाला को जिम्मेदारी सौंपी कि वो मेरा सर दबाए। उसने हिदायत पर अमल किया, रूह तक मसीहाई का एजाज उतरने लगा। मैं खुद पर झुके हुए उसके चेहरे को यकटक देख रहा था और सोच रहा था कि अब तक किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरे साथ हुआ क्या था। मुझसे वाकई की तफसील जानना तो दूर की बात थी, किसी ने इस मौजू पर आपस में भी बात नहीं की थी। मैंने गजाला से पूछा, खाला नहीं आया? रात तो यहीं था, अब दिखाई नहीं दिया, उसने मुंह बनाकर कहा। मैंने परवीन से पूछा तो उसने बताया, मासी सफ़ो आज चाचा बख्शू सुबह आए थे, कह रहे थे कि वो तेज़ बुखार में फूंक रहा है। दवा दारू लिया उसने? तुम्हें क्या, वो दवाई लिया जहर फाँके? गजाला ने तलखी से कहा। मैं खामोश हो गया। तुम खाले के घर क्या लेने के लिए गए थे? खाले से मिलने के लिए गया था। वो तशकीक आमेज नज़रों से मुझे देखने लगी। मैं उसे बताना चाहता था मगर उसने मेरे लबों पर हाथ रख दिया। अभी नहीं, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाओगे तब पूछूंगी। दोपहर तक कमरे में मेला लगा रहा। नूरपुर का हर शख्स कमोबेश मेरी अयादत को आया। 3 बजे के करीब शाहजी ने मेरे कमरे में लोगों का दाखिला ममनू करार दे दिया। मेरे पास उसके अलावा गजाला और चाची रह गई। गजाला ने मुझे दलिया खिलाया, पानी पिलाया और चाची की नज़रें बचाकर मेरी पेशानी को अनगिनत मरतबा चूमा। मैंने आंखें बंद की तो उसने आंखों को चूमा और बोली, मेरा जी चाहता है उस कमीने का गला घोट दो। किस कमीने का? लोहार खाले का, और किसका? उसका कसूर नहीं है, कसूर मेरा अपना ही था। वो दांत पीस कर रह गई। उसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी थी। शाहजी करीब आकर पेशानी पर हाथ रखकर बोला, लगता है कि अब तुम्हारी दवाई भी बंद कर दी जाए तो तुम 2-4 घंटों में फिटफाट हो जाओगे। मैं उसका इशारा समझ गया, इसलिए झेप कर बोला, शाहजी अब ऐसी भी बात नहीं है। गजाला शर्मसार सी हो गई। ऐसे में बख्त खान कमरे में दाखिल हुआ। गजाला के सर पर हाथ रखने के बाद मेरी तरफ बढ़ते हुए बोला, डॉक्टर शाह आपकी मतलूबा मेडिसिन आ गई है। उसने हाथ में थामा लिफाफा मेरे पैरों के करीब चारपाई पर रखा, फिर मेरी अयादत में रुझ गया। उसकी आमद को महज चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि खाला और मुराद बख्श दीवाना भी आ गए। चाची और गजाला अपना सामान समेट कर कमरे से निकल गई। मुझे बाद में पता चला कि वो साथ वाले कमरे में जा बैठी थी। दोनों मेरी चारपाई की पाइंती के पास आकर रुक गए। बख्त खान और शाहजी ने एक दूसरे की जानब देखा, फिर आंखों आंखों में कुछ कहा सुना और बिला कुछ कहे कमरे से निकल गए। आया था कि उन्होंने हमें खुलकर गुफ्तगू करने का मौका दिया था। मुराद बख्श ने कहा, शरे खान लगता है काफ़ी बेहतर हालत में हो, है ना? मैंने इस बात पर सर हिला दिया। मुजरमों की तरह सर झुकाए खड़े खाले को बगौर देखा। वो काफ़ी बदला बदला दिखाई दिया, शायद इसलिए कि मैंने उसे नहायत मुख्तलिफ अंदाज में देख लिया था। मैंने कहा, खाले दूर क्यों खड़े हो, करीब आओ ना। वो लब बस्ता खड़ा रहा। मुराद बख्श ने कोहनी चुभोई, फिर भी टस से मस ना हुआ। मैं उठ नहीं सकता, तुम चल फिर सकते हो, इसलिए मेरे करीब चले हो। मैं बहुत सी बातें करना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं ना तो नमक हराम हूँ और ना ही यार मार, मगर तुमने मुझे सफाई का मौका ही नहीं दिया। वो बड़ी आहिस्तगी से चारपाई पर टिक गया। दुनिया की कोई अदालत बगैर सफाई तलब की सजा नहीं सुनाती, मगर तुमने सुना दी। मैं बिल्लो को अपनी बहन समझता हूँ, बिल्कुल परवीन की तरह। वो भी मुझे अपना भाई ही समझती थी, मगर ना जाने उसे क्या हुआ कि वो भटक गई। बच्ची है ना अभी, मगर मैं उसे समझा लेता, रोक लेता उसे। मगर बुरा ये हुआ कि मेरी कमर में चोट आ गई और मेरा बदन चल हो गया, जिसकी वजह से वो हद से बढ़ गई। उसने मेरी बात खामोशी से सुनी, मुँह से कुछ ना कहा, बल्कि अचानक पलट कर मेरे पैरों को थाम कर चारपाई पर लुढ़क गया। दीवाना दूसरे चारपाई पर बराजमान हो गया था। चंदी लम्बों में खाले की सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंजने लगी। मुझे अपने पैरों पर नमी का एहसास हुआ। खाले ये क्या कर रहे हो, इधर आओ ना मेरे पास। उस पर मेरी पुकार का कोई असर ना हुआ। मैंने 2-4 मरतबा उसे पास रहने के लिए कहा, मगर वो टस से मस ना हुआ तो मैं खामोश हो गया। उसे दिल का वो बाढ़ निकालने का मौका दिया। काफ़ी देर गुजर गई, उसने सर उठाया। मुझे उसकी हालत ज़ार पर तरस आया। वो मेरे कहने पर मेरे पहलू में चारपाई की भाँ पर आकर टिक गया। उसका सर हनूज झुका हुआ था। शहर खान तुम मुजरिम नहीं हो, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, जो चाहे सजा दे लो, मेरा सर तुम्हारे सामने झुका हुआ है। मैंने उसे माफ़ कर दिया। बातों का सिलसिला चल निकला। उसने मुझे बताया कि वो और डॉक्टर शाहजी मुझे उठाकर अस्पताल लाए थे। उसने शाहजी को बगैर हिलो हज्जत तमाम माजरा मिनो अन कह सुनाया था और अपनी गलती तस्लीम कर ली थी। खालिदा ने अपने वालदैन के सामने गलती का एतराफ़ करते हुए मेरी बेगुनाही पर तस्दीकी मोहर लगा दी। इस जुर्म की पादाश में उसे अच्छी खासी मार खाना पड़ी थी। खाले के बकौल वो अभी तक चारपाई पर पड़ी करहा रही थी। बईद नहीं था कि चाचा चिराग और बख्त खान
खाले को पुलिस के हवाले कर देते, मगर खाला और उसके वालिदैन अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए चाची और चाचा के पैरों में गिर गए थे। कदमों में गिरे हुए मोतरफ को गले से लगाना हमारे इलाकाई रिवायत का हिस्सा है। बात पूरे नूरपुर में फैल गई थी। जुबानों की बैसाखियों पर चलती हुई लंबी मुसाफत तय कर गई। हर कोई उसे और हालदा को लान तान कर रहा था और वो अपने आहनी कलेजे पर जुबानों के जख्म संभाले नदामत की अथाह गहराई में गिर कर संभलने की कोशिश में हाथ पैर मार रहा था। पशेमानी और पछतावे ने उसे तेज़ बुखार में झोंक दिया। मैं चूंकि उसके रद्दमल को फितरी समझता था, यह भी समझता था कि अगर उसकी जगह पर मैं होता और मेरी जगह पर वो, तो मैं भी बईना वही करता जो कुछ उसने किया था। इसीलिए मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया। वो मेरा मशकूर था, उसे शायद मेरे इस रद्दमल की तवक्को नहीं थी। उसकी निदामत को तहलील करने में मुराद बख्श के जुमाने फ़िक्रों ने बड़ा काम दिखाया। बख्त खान और शाहजी को मुराद बख्श बुला लाया। महफिल जम गई। ऐसे में गुज़िश्ता शब का तस्करा छिड़ गया। बख्त खान और मुराद बख्श ने मज़ार की निगरानी की थी। इस मरतबा सिर्फ 333 नंबरों वाली कार दिलजीत शाह के यहाँ आई थी। उसे एक आदमी ड्राइव करा था। उसने पौन घंटा दिलजीत शाह के खास हुजरे में गुजारा था। शाहजी ने मेरी कमर और गर्दन के पीछे मजबूती से हाथ जमाए और सहारा देकर बिठा दिया। दर्द की कटीली लहर पूरे बदन में फिर गई। जब्त करने के बावजूद मुँह से सस्कारी निकल गई। दीवाना झट बोला, ये क्या यार, हर वक्त औरतों की तरह चीखते रहते हो, कोई एक मर्दाना आना भी अपने पास रख छोड़ी है तुमने। मैंने हंसने की कोशिश की मगर कामयाबी ना हुई। चंद ही लम्हों में मेरी पेशानी पसीने से तर हो गई। मैंने कराह कर कहा, शाहजी बैठा नहीं जाता, लिटाते मुझे। उसने मेरी दरख्वास्त पर तवज्जो ना दी और समझाया, खुद को बिठाए रखने की पूरी कोशिश करो। मेरी चारपाई के नीचे यूरिन बैग दिखाई दिया मुझे। तब पता चला कि मुझे कैथेटर पास की गई थी। यही वजह थी कि गैर मामूली तवील दौरानियाँ गुजरने पर भी हाजत महसूस नहीं हुई थी। मैं बमुश्किल 3 या 4 मिनट बैठ सका, फिर हार गया। शाहजी ने मेरे चेहरे पर निगाह डाली और मुस्कुराते हुए लिटा दिया। कमर तले उभार का एहसास हुआ, पहले नहीं हुआ था। शायद कपड़े का कोई गोला दबाव डालने के लिए मेरे तले रखा गया था। एक महफिल उजड़ गई, दूसरी सज गई। मेरे अहले खाना मेरे इर्द गिर्द आन बैठे। मुझे परहेजी गजा खिलाने के बाद चाय पिलाई गई, दवाइयाँ खिलाई गई और मुख्तलिफ अद्वियात के इंजेक्शन दिए गए। गजाला मुझसे नाराज़ थी कि मैंने काले को माफ़ क्यों किया। उसकी ख्वाहिश थी कि वो 2-4 महीने जेल की दाल रोटी खा आता तो शायद इंसान बन जाता। वो मेरी और खाले की दोस्ती को पसंद नहीं करती थी। अक्सर कहा करती थी वो कि वो मखसूस ड्राइवराना कमाश का आदमी है। उसके ख्याल में वो एतमाद के लायक हरगिज नहीं था। मैं अगली सुबह खाले और दीवाने के सहारे कोठी के सहन में हौले हौले चलने की कोशिश कर रहा था। हर कदम पर दिमाग में धमक पैदा होती, पूरे जिस्म में चोटियाँ सी रेंगती हुई महसूस होती थी। मुराद बख्श दीवाना कह रहा था, हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है, जो करता है भलाई करता है। फिलवक्त इंसान को दुरुस्त नहीं लगता, मगर जब उसके असरात सामने आने लगते हैं तो अश अश कर उठता है। तुम कहना क्या चाहते हो? खालन उसे घूरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेटी के कुंडे की जरब ने हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अगर शहरा ठीक ठाक होता तो तुम अपनी बेगैरती की अजीम मिसाल कायम करके अपना हाथ कभी ना रोकते, और अब तक शहरा बेचारा रूह बालाए भरी होती, जिसम ज़ेर ज़मी होता और तुम सरकार के राजमहल में तख्त नशी होते। मुराद ने अपने हाथ से चक्की पीसने का मज़ाक़ा खेज इशारा करते हुए इस अंदाज में कहा कि मैं और खाला अपनी हंसी रोक ना पाए। ऐसी की तैसी तेरे मनहूस शायर की, अपनी मंजरकशी अपने पास ही रख, अल्लाह सोने ने हम दोनों पर ख़ास करम किया है। खाले ने कहा, मैं बड़ी एहतियात से कदम बढ़ा रहा था मगर फिर भी हाँ किया। रुक कर सांसें हमवार करते हुए बोला, मगर खाले एक बात की समझ नहीं आई, मेरे कानों में तुम्हारी वैगन की ना आवाज़ पड़ी ना हॉर्न सुनाई दिया। शायद चोट ने मेरे जहन को भी मुतासर किया था। नहीं, वैगन नहर वाले पुल पर ठहर गई थी। उस हरामजादी का अगला टायर पंचर हो गया था। स्टेपनी अब्बा की दुकान में पड़ी थी। मैं और सभी मुसाफिर वहीं उतर गए। इरादा था कि मैं और शेदू स्टेपनी लेकर पुल पर जाएंगे और टायर बदल कर वैगन को अड्डे पर ले आएंगे। मैंने तहफीवी अंदाज में सर हिलाया। दिल में सोचा कि मैं जिस वक्त को नहायत कम दौरानिया करार दे रहा था वो इतना मुख्तसर भी नहीं था। मैं खालिदा के सर में कमोबेश आधा घंटा घिरा रहा था। मैंने किसी को बिलखसूस मुखातिब किए बगैर पूछा, शाहजी क्या कहता है, क्या मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा? मुराद बख्श बोला, वो कहता है कि तुम्हारी हड्डी पसली बड़ी जानदार है, ये जाक कुछ बिगाड़ेंगे क्या तेरा? कि मस्ताक खाला तो क्या खाले का बाप भी होता तो अपने 2 सिरी हथौड़ों से तुम्हारी नाक की हड्डी तक ना तोड़ पाता। फिक्र ना करो, डॉक्टर कहता है कि तुम कल परसों तक थारो परेड घोड़े की तरह हवा से बातें करने लगोगे। खाले ने बिफर कर कहा, इंसान का बच्चा बन जा वरना उल्टे हाथ की दूंगा,
और दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। अपने दिल की भड़ास सीधे लफ्जों में निकाला कर ताकि मेरी समझ में आए कि तू क्या बकवास करता है। मैं खासा संभल गया था। रानों और पिंडलियों के जख्मों में चुभन कम हो गई थी, कमर और बाजू दुखता था। मैंने खाले से फरमाइश की कि मुझे कोठी से बाहर ले जाए। दोनों मुझे बाहर ले आए। हम चलते हुए अस्पताल में आ गए। शाहजी अपने कमरे में मौजूद था। मरीज मुआयने और इलाज मुआवजे के लिए आ रहे थे। वो इस वक्त खासा मसरूफ हुआ करता था। हयात खान ने अयादत को आने में खासी देर की थी। पहले तो मुझे उसके हमदर्दाना रवैये में मुनाफिकत का शुबा हुआ, मगर कुछ देर के बाद अंदाज़ा हुआ कि वो ना सिर्फ अपने रवा रखे गए रवैये पर मुतासिर था, बल्कि एक भयानक गलतफहमी के नतीजे में पैदा होने वाली जानलेवा सूरत हाल पर भी अफसरदा था। शाहजी ने उसकी पेशकश पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। मुझे मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होने में 4 दिन बीत गए। जब मेरी रीढ़ की हड्डी का मुआयना करने के बाद शाहजी ने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, अब तुम मुकम्मल तौर पर फिट हो, तो मैंने घर जाने का कसद किया। अस्पताल की हदूद में मुसलसल मुकद रहने की बदौलत मुझे उस माहौल से बोरियत होने लगी थी। 2-3 दिनों के बाद मेरे बाजुओं के जख्मों के टांके खोले जाने थे। रान के एक जबकि पिंडली के 2 जख्मों की भी स्टिचिंग की गई थी। शाहजी के बकौल खंजर का फल बाजू की हड्डी को छू गया था, मगर दोनों जख्मों में कोई भी असीबी रेशा नहीं कटा था और ना ही कोई बड़ी शरियान या रग जख्मी हुई थी। उसने मेरे जख्मों को ख़राब होने से बचाए रखने के लिए शहर से बख्त खान के जरिए महंगी एंटीबायोटिक अद्वियात मंगवाई थी। मुझे दवाई की बाकायदगी के असरात पर भी लेक्चर दिया और यह तनबीह की कि टाँके खुलने तक मैं कोई भारी काम ना करूँ। अगली शाम को खाला मेरे घर पहुँचा। रस्मी गुफ्तगू के बाद उसने जेब से तय किया हुआ रुपया निकाला और मेरी हथेली पर रख दिया। अंग्रेजी में लिखा हुआ एक जुमला मेरी आंखों के आगे झिलमिला गया, मुझे बुध की शाम को 5 बजे चमनजार अस्करी में मिलो। मैंने इस्तेफामिया नजरों से खाले को देखा। अस्मा ने लिखा है? उसने फाखराना अंदाज में सर हिला दिया। मैं सोच में गर्क हो गया। उसने खाले को क्यों बुलाया था? वो खाले को इतनी अहमियत क्यों देने लगी थी? ये और उस जैसे कई सवाल जहरीले कीड़ों की तरह मेरे जहन में रेंग आए। उसने मेरे पहलू में कोहनी चुभी। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं खाले, ऐसी बात नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी खानजादी तुम्हें किस मुसीबत में डालने का इरादा रखती है। यानी वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि मुझे बेवकूफ़ बना रही है, यही कहना चाहते हो ना तुम? खाले ने शिकवा बाढ़ लहजे में कहा, तुम ये सोचते हो कि लड़कियों को तुम जैसे चट्टी चमड़ी वाले लोग अच्छे लगते हैं। तुम समझते हो कि गरीबों के लिए दुनिया में किसी पहलू में नर्म गोशा नहीं है। हाँ शेरे खान, ये तुम्हारी सोच है। माना कि काले कमीन और गरीब शख्स से कोई मोहब्बत नहीं करता, वो भी नहीं करती, मगर खेलना चाहती है, मुझे खिलौना बनाकर दिल बहलाना चाहती है। मेरा क्या जाएगा, क्या टूट जाऊँगा मैं? नहीं, वो अपने तौर से खेलती रहे, मैं अपने अंदाज में खेलता रहूँगा। जब उसका दिल भर जाएगा तब मेरा रास्ता भी बदल जाएगा। और तुम यकीनन डरपोक शख्स हो, डरते रहोगे मगर ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। मुझे उसकी सोच पर हैरानी हुई। उसने आने वाले चंद ही लम्हों में मुझे बुरी तरह उधेड़ के रख दिया था। फिर मुझे खामोश पाकर उसने मेरा कंधा ठोंका। ओए, तुझे सांप सूंघ गया या जुबान पर ताला लग गया, बोलता क्यों नहीं? खाले, तुम एक लड़की की खातिर अपने माँ बाप और बहनों की जिंदगियों से खेल रहे हो, क्या तुम्हें किसी पर तरस नहीं आता? मैं आसमां के लिए नहीं, किसी और मिशन की तकमील के लिए झील पर जाना चाहता हूँ। क्या मतलब, क्या मिशन है तुम्हारा? मुझे मुल्तान में किसी अच्छी सी नौकरी की तलाश है। मुलाकात के दौरान उसे फरमाइश करूँगा कि वो मेरे लिए कोई मुनासिब सी नौकरी तलाश करें ताकि मैं उसके करीब रह सकूँ। वो पहले भी कई मरतबा मुझे मुल्तान में बुला चुकी हैं। बकवास ना करो, तुम कहीं नहीं जाओगे और इस गलतफहमी में मत रहो कि वो तुम्हारे जैसे कंट्रोटे आशिक के लिए नौकरी तलाश करेगी। तुम नूरपुर में रहो, मुल्तान चले जाओ या कहीं भी जाकर एडजस्ट हो जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, समझे तुम? अच्छा, मेरे दिल की दुनिया मौज में है, तुम जानो या ना जानो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ चोरी छुपे असमा का दीदार मैसर आता है, वहाँ जब जी चाहेगा मिल लिया करूँगा, ये कोई मामूली बात है? वैसे भी सयाने कहते हैं कि तरक्की करने के लिए अपना घर बार छोड़ना पड़ता है। मैंने भी घर छोड़ने का फैसला कर लिया है और अम्मा अब्बा से भी बात कर ली है। जब मैं उन्हें तनख्वाह की रकम भेजा करूँगा ना, तो मारे खुशी के उनकी बातें कानों तक जा लगेंगी। और एक तुम हो कि मेरी खुशी देखकर काले सवा हो गए हो, है ना? कोई जवाब दिए बगैर मैंने उसके चेहरे पर खुशी के अनगिनत अक्स, जोश और हैजान की मिली जुली कैफियत देखकर खामोशी की चादर ओढ़ दी कि इसके सिवा और कोई चाराकार नजर नहीं आता था। वो अपनी मस्ती में मस्त, अपनी मोहब्बत की तरंग के बहाव में रक्सा काफ़ी देर तक मुसरत भरी बहकी बहकी बातें करता रहा, ख्वाब बुनता रहा और मैं हूँ हाँ में उसे जवाब देता रहा। फिर यह तय पाए कि मैं उसके साथ मुल्तान जाऊँगा, जहाँ वो आसमां से चमनजार में मुलाकात करेगा
और मैं खतरात के पेश नज़र उसकी पहरेदारी करूँगा। गाँव में अंधेरा फैलते के साथ ही हमारी महफिल उजड़ गई। मैंने शाहजी की हिदायत के मुताबिक खोज लगाना शुरू कर दिया था कि मेरे माँ बाप के अंधोना कत्ल के फौरी बाद नूरपुर से कौन रुखसत हुआ था। चूँकि मैं किसी को भी चौंकाना नहीं चाहता था और ना ही ये जाहिर करना चाहता था कि मैं अपने वालिदैन के कातिल की तलाश में हूँ, इसलिए मैंने कुछ एहतियातें बरोए कार रख ली थी। जिस दिन मेरे वालिदैन के इंतकाल को 3 दिन गुजरे थे, उस दिन सरदार हयात खान के वालिद का इंतकाल हो गया था। मैंने उसके इंतकाल को हवाला बना लिया था। इस तरह दो आसानियाँ पैदा हो गईं। एक तो मुकाबिल के जहन में फौरी तौर पर वो दौरानियाँ उभर आता था, दूसरा फ़ायदा यह हो रहा था कि मेरा मुतमय नज़र पोशीदा रहता था। मेरी जस्तजू के नतीजे में 3 अशख़ास सामने आए जो इस वाक़े के फौरी बाद नूरपुर से चले गए थे, अफसर अली, शरीफ चक्की वाला और सरदार यारन खान। मुझे एक तरह की मायूसी हुई क्योंकि इन तीनों का ताल्लुक किसी भी अंदाज से मेरे वालिदैन के कत्ल से नहीं जोड़ा जा सकता था। मैंने शाहजी को इन तीनों के बारे में बताया तो उसने कहा, खुद को गैर जानबदार रखकर अपना काम आगे बढ़ाओ, इन तीनों अफराद से मिलो, अपनी जहानत को बरोए कार लाते हुए गैर महसूस अंदाज में इन्हें टटोलो। बज़ाहिर गैर मुतल्लिक दिखाई देने वाला फ़र्द भी हमारा टारगेट हो सकता है। मैंने अफसर अली से अपने काम का आगाज़ किया। अफसर अली मेरी गली में मशरक़ी किनारे पर रिहाइश पज़ीर था, बेज़रार और मासूम सा बंदा था। वो यकीनन मेरा मतलूबा शख्स नहीं था। उसने मुझे बताया, मैं उन दिनों यारन खान के माल डंगर चराया करता था। एक दिन खान की गाय रेवड़ से अलहदा होकर खो गई। मैं रात भर उसे तलाश करता रहा पर वो ना मिली। सुबह जब खान को पता चला तो उसने मुझे भाने वाले बड़े केकर पर उल्टा लटका दिया। 3 बंदों ने मिलकर मेरी पिटाई लगाई। उस पर भी खान का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो उसने मेरी इकलौती भैंस छीन ली और मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का बनजर गैर जायजा ले रहा था, सच झूठ की परछाइयों में इम्तियाज कर रहा था। उसके पल पल बदलते तासरात गमाजी थे कि वो सच बोल रहा था। शहर खान वो बड़ा जालिम इंसान था। मैं काफ़ी दिन तक घर में पड़ा रहा। उसके कमियों ने मुझे इतना मारा था कि मैं कई दिन तक चारपाई से उतर नहीं सका था। फिर मेरा एक यार मेरा पता लेने के लिए आया। असलम पनवार बसीरे में रहता था और मुजफ्फरगढ़ की एक धागे वाली मिल में काम करता था। उसने जब माजरा सुना तो मिल में नौकरी की पेशकश की। अंधा क्या चाहे, दो आँखें। मैंने हामी भर ली, मैंने तैयारी भी कर ली, मगर उसी दिन जिस दिन मैं मुजफ्फरगढ़ जाना चाहता था तुम्हारे घर पर कयामत टूट पड़ी। हाय अल्लाह, वो दिन दोबारा ना दिखाना। उसके दोनों हाथ कानों से चिपक गए, आंखें बंद हो गई। कुछ देर यही कैफियत रही। बस फिर क्या था, नूरपुर वीरान हो गया। दूसरे दिन हयात खान अस्पताल से मैयत उठाकर लाया। हम सभी कफन दफन में रुझे रहे। फारिग नहीं हुए थे कि बड़ा खान फौत हो गया। मुझे फिर एक आधा दिन रुकना पड़ा। कुरान खानी के बाद मैं अपना बोरिया बिस्तर उठाकर मुजफ्फरगढ़ चला गया और वहाँ जाकर मिल में भर्ती हो गया। तो फिर तुम वापस कब आए? शायद कभी ना आता, अपने घर वालों को वहीं बुला लेता, पर मुझे चोट लग गई थी जिसकी वजह से वापस आ गया। चोट? हाँ, मैं वहाँ रिंग खाते में डाफर भर्ती हुआ था। पहियों वाली ट्रॉली में माल भरकर दूसरे खाते में ले जाना पड़ता था। ऐसे में मेरा पाँव फिसल गया और कूलर निकल गया। कोई 2 महीने चारपाई पर पड़ा रहा। ठीक होने पर जब मिल गया तो पता चला कि मेरी शिफ्ट का हिसाब हो गया था और सारे वर्कर सामान उठाकर शेखोपुरे की किसी मिल में चले गए थे। उसे मजीद कुरेदने पर मुझे कोई ख़ास बात मालूम ना हुई। वो मेरा मतलूबा शख्स नहीं था। मैं शरीफ चक्की वाले से मिला। बातों ही बातों में उसे अपनी पटरी पर चढ़ाया तो उसके पोपले मुँह का टेप रिकॉर्डर फर फर चलने लगा। शहर खान, मैं बड़ा ही था। कहाँ जाना था मैंने? शुमाल में महमूद कोट तक, जनूब में शाह जमाल तक, मशरक में नूर पपड़ा और मगरब में गाजी घाट तक। रंदा आरी और तेशा उठाए गली गली फिरकर होका लगाया करता था। नई चारपाइयाँ और पीढ़ियाँ बनाया करता था, मरम्मत भी करता था। घर से निकलता था तो कभी 2 महीने बाद लौटता तो कभी 4। बड़े खान का जनाजा पढ़कर निकला, 4 महीने बाद वापसी हुई थी। ये तो अल्लाह भला करे सरदार यारन खान का, उसने मुझे दुकान बना दी और मुझे दर दर की मजदूरी से निजात मिल गई। ये यारन खान कैसा आदमी था? उसने यारन खान की तारीफों में बेयानी दीवाने की तरह ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए। चूँकि यारन खान यहाँ मौजूद नहीं था और मैं उससे यूँ बेतकल्लुफ़ी से पूछगछ नहीं कर सकता था, इसलिए शरीफ चक्की वाले को उसके बारे में कुरेदने लगा। उसकी मालूमात के मुताबिक हयात खान के बाप के मरने के 1 हफ्ते बाद उसने अचानक ही लाहौर का कसद किया, वहाँ जाकर शादी कर ली और फिर वहीं का होकर रह गया।
शरीफ चक्की वाला एक मरतबा यारन खान से मिलने लाहौर जा चुका था, मगर उसके घर का पता समझाने से कासिर था क्योंकि वह अनपढ़ आदमी था। एक विजिटिंग कार्ड हाथ में थामे पूछता पाछता यारन खान की कोठी तक पहुंचा था और उसकी गाड़ी में बैठकर लारी अड्डे गया था। मैं इस कार्य बेकार से खासा दिल बर्दाश्त था और मायूस हुआ था। यारन खान का मेरे वालिदैन के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं था, मेरे बरअक्स शाहजी पुरुमीद था और मुझे इस काम की तकमील पर उकसाता रहता था। आज खाले की मुराद बर आने वाली थी। अपने काश्तकाराना उमूर से फरागत पाकर तयशुदा प्रोग्राम के तहत मैं उसके इंतज़ार में बख्शू लोहार की दुकान पर आन बैठा। कुछ ही देर में उसकी वैगन आती दिखाई दी। मखसूस वक्त गुजार कर वैगन का दूसरा फेरा लेकर मैं और खाला चौक कुरैशी पहुँचे। वैगन इज्जत खान ड्राइवर के हवाले की। वो पहले फरीदाबाद के लिए बैडफोर्ड बस चलाता था। उसकी बस चंदन कबल उलट गई थी जिसकी वजह से उसे बॉडी मेकर के यहाँ हफ्ता भर के लिए खड़ा करना पड़ा। इन दिनों फारिग था और वैगन अड्डे पर बैठकर पेटी बंदों की फटीक भुगताता था, दिहाड़ी बन जाती थी। हम मुजफ्फरगढ़ के लिए बस में बैठे। मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान जाने के लिए डेरा अड्डा वाली वैगन पर सवार हो गए। रास्ते में खाले ने मुझे चंद सुनहरी हिदायत दी। उसने दरपेश आने वाली हर मुमकिन सूरत हाल पर मुझे मुफीद रद्दअमल से आगाह किया। मैंने उसकी बातें जहन नशीन कर ली। उसके दिल की दुनिया से मैं बेखबर था, अपने दिल की जानता था। तजस्सुस और जोश में तेजी से धड़क रहा था। हम चमनजार के बड़े से गेट के सामने वैगन से उतरे। 4:15 का वक्त था, दिन मुजमहल होने लगा था। मैं चंद लम्हे रुका रहा जब खाला गेट के करीब टिकट वाले कैबिन की खिड़की पर झुका। मैं भी कैबिन की तरफ चल पड़ा। टिकट लेते हुए पार्किंग एरिया का जायजा लिया। तफरी के लिए आने वालों का हजूम था। कोई फैमिली कार में बैठ रही थी, कोई निकलकर कैबिन की तरफ आ रही थी। एक जहां ने हैरत सजा था, बिसाते शौक बिछी थी और मैं खाले की पुश्त पर नजरें जमाए फूल पौधों में घिरी रविश पर चल रहा था। ये मुल्तान का सबसे खूबसूरत पार्क था। जमाना तालिब इल्मी में मैं अपने क्लास फेलोज के हमरा यहाँ 12 आया था, मगर आज सब कुछ नया नया महसूस हो रहा था। यहाँ बच्चों, बड़ों और खवातीन की दिलबस्तगी के लिए अनगिनत इंतजाम किए गए थे। अगर खाले ने खानजादों और उनके बच्चों को ना देख रखा होता तो यहाँ दौड़ते कूदते बच्चों और टहलती फिरती औरतों को देखकर यकीनन अंगुश्ते बदिंदा हो जाता। झील के वस्त में एक जजीरा बना हुआ था जिसके चारों अतराफ लोहे की मजबूत रेलिंग लगी हुई थी। एक कमानदार चौबी पुल जजीरे को पार्क से मिलाता था। हम दोनों आगे पीछे चलते हुए जजीरे पर गए। काफ़ी देर तक आवारा गर्दी जारी रखी। खाला झील के किनारे पर टांगे पसार कर बैठ गया। उसने जगह के इंतखाब में खासी चलाकी से काम लिया था। यहाँ बैठकर वो गेट में दाखिल होने वाले हर चेहरे का तवाफ कर सकता था। मैं उसके अकब में झील से कुछ फासले पर रस्तादा पिंगोड़े के करीब जाकर खड़ा हो गया और बच्चों को खेलते हुए देखने लगा। असमा ने वक्त की पाबंदी को मलूज रखा था। ऐन मुकर्रा वक्त पर गेट में दाखिल हुई। शान बेनियाजी से चलती हुई झील पर आई। खोजती निगाहों से अतराफ का जायजा लिया। खाले को देखकर झील का चक्कर काटकर उसके करीब पहुंच गई। खाला फरते मोहब्बत से 10 बस्ता खड़ा हो गया, झुककर सलाम गो हुआ। कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, मगर खाले की मोहब्बत अंधी नहीं थी। स्टेटस के फ़र्क को देखकर मौतब हो रही थी। दोनों के माबेन होने वाली गुफ्तगू मुझ तक तो नहीं पहुंच रही थी और ना ही मैं उनके लबों की हरकत से मौजू सुखन अखज़ कर पाया था। खाले ने अपना साफा फैलाकर घास पर बिछाया और उसे बिठा दिया। खुद चंद कदमों की दूरी पर घुटनों के बल घास पर बैठ गया। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, ये उल्लू के पट्टे, नमाज पढ़ने का रहता क्या? वो अकेली आई थी। अगर ड्राइवर साथ आया था तो वो बाहर पार्किंग में ही रुक गया होगा। वो ड्रिंक शॉप की तरफ मुतवज्जो थी, हाथ लहराकर दुकानदार को बुला रही थी। एक लड़का भागकर दोनों के करीब गया, ऑर्डर लेकर पलट गया। चंद ही लम्हों बाद मैंने दोनों को आइसक्रीम खाते देखा। जी ही जी में मैं खाले को मुखातिब करके बोला, बुरे दिन आ गए खालो उस्ताद तेरे, सर्दियों में कुल्फा खाओगे तो कई दिनों तक खांसते छींकते रहोगे। मुझे खाले की किस्मत पर रश्क आया और मैं गजाला को यहाँ लाकर आइसक्रीम खिलाने का मंसूबा तरतीब देने लगा। वो यकीनन इस दुनिया को देखकर परेशान हो जाएगी। उसने अभी तक महज नूरपुर की दुनिया ही देख रखी थी। वहाँ और यहाँ के बीच जमीन और आसमान का फ़र्क हायल था। असमा और खाले को मैं देख रहा था, अपनी मोहब्बत की तसव्वुराती अभ्यारी कर रहा था कि अचानक मैं चौंक पड़ा। कीमती पैंट शर्ट में मलबूस एक बड़े बालों वाला हीरो टाइप आदमी दोनों के सरों पर जा खड़ा हुआ। मैं भिंगोड़े के आनी स्टैंड के साथ कमर टिकाकर खड़ा था। उनके करीब जाना चाहता था मगर फिर खाले की हिदायत याद आ गई और मैंने अपने बढ़ते कदम रोक लिए। नौवारिद ने असमा को मुखातिब किया, फिर दोनों के दरमियान कुछ बातें हुईं। मुझे असमा का चेहरा दिखाई दे रहा था, वो परेशान और बरहम दिखाई देती थी। कुछ गड़बड़ हो गई थी। तभी खाला एक झटके से खड़ा हो गया, असमा को भी उठना पड़ा। खाले ने कुछ कहते हुए हीरो टाइप लंबे तड़ंगे शख्स की तरफ उंगली उठाई।
यह उसका धमकी देने का मखसूस अंदाज था। हीरो ने उसे दोनों हाथ छाती पर रखकर पीछे की तरफ धक्का दिया। ऐसे वक्त में उसकी चीखती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खाला चंद कदम पीछे हटा, फिर संभल कर आगे बढ़ा और उसने दाएं हाथ का जोरदार थप्पड़ हीरो के मुंह पे दे मारा। चटाक की आवाज सुनाई दी। हीरो चंद लम्हों तक अपना बायां हाथ गाल पर रखे उसे खून आशाम नजरों से घूरता रहा, फिर चीखते हुए हमलावर हो गया। दोनों दीवानावार एक दूसरे से गत्थम गत्था हो गए थे। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ ईंटों की रविश पर आ गया। अब मैं तीनों के काफी करीब था। कई लोग मुतवज्जो हो गए थे और मेरी तरह मैदान जंग की तरफ बढ़ने लगे थे। अस्मा ने दोनों को रोकने की कोशिश की मगर फिर सहम कर पीछे हट गई। खाले ने हीरो के लंबे बालों को दोनों मुट्ठियों में जकड़ा और पीछे की तरफ झटका दिया। वो कमान की सूरत में खम खा गया। उसने खाले को लात मारने चाही मगर खाले ने उससे पहले ही अपना दाहिना घुटना उसके पेट के नीचे मार दिया। वो बिलबिला उठा। उसने गालियां बकते हुए खाले पर मुक्कों की बारिश कर दी। खाला उसके बालों पर अपनी आहनी गिरफ्त कायम ना रख सका और उसे छोड़कर बेख्तियार सीने और पेट पर हाथ रखकर झुक गया। हीरो को मौका मिल गया। उसने बड़ी फुर्ती से अपनी टांग उठाकर एड़ी की ठोकर खाले की पुश्त पे मारी। वो मुंह के बल गिरा मगर उसने उठने में गैर मामूली मुस्तैदी दिखाई। ऐसे में धप की जोरदार आवाज के साथ हीरो का पंच उसके जबड़े पर लगा। वार कारगर था। खाला डगमगाया और ढलानी घास पर झील के पानी तक लुढ़क गया। मेरे दाएं बाएं कई लोग इकट्ठे हो गए थे और हर कोई एक दूसरे से इस लड़ाई का पसे मंजर दरियाफ्त कर रहा था। अस्मा मामले की संगीनी को भांप चुकी थी। उसकी चीखती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी, मूवी फॉर गॉड सेक। मैदान कारजार गर्म था। उसकी आवाज पर दोनों में से किसी ने भी कान ना धरे। मुझे हीरो टाइप शख्स का नाम पता चल गया था। उसका निकनेम मूवी था। पूरा नाम महबूब मोहिबिया मुबीन हो सकता था। मैंने बेबस खड़ी अस्मा की आंखों में तैरती नमी देख ली थी। वह अचानक पलटी और तेज तेज कदमों से बैरूनी गेट की तरफ बढ़ती चली गई। उसका यहाँ रुकना किसी भी तौर मुनासिब नहीं था। मोबी खाले के सर पर पहुंच गया था। उसने खाले को धकेल कर झील में फेंकना चाहा मगर धोखा खा गया। खाले ने बड़ा फुर्तीला देहाती दाव खेला था। उसने मोबी की दोनों टांगों को पकड़ा और बगल में सर देकर उठ खड़ा हुआ। दो तीन चक्कर लिए और उसे घुमाकर झील में फेंक दिया। छपाक की जोरदार आवाज से मोबी पानी में गिरा, जेरे आप गया, फिर सर झटकता हुआ पानी की सतह पर नमूदार हुआ। अब सूरत हाल काफी बदल गई थी। वो झील से निकलना चाहता था मगर खाले की पैर दर पर ठोकरें उसे वापस पानी में धकेल देती थी। चंद ही ठोकरों ने उसके चेहरे को खून से रंग दिया। ऐसे में लोगों ने खाले को पकड़ लिया। वो पानी से निकलने की कोशिश में मसरूफ अजनबी को ना सिर्फ गालियां दे रहा था बल्कि लोगों की गिरफ्त से निकलने के लिए बुरी तरह मचल रहा था। मोबी पानी से बाहर आया तो उसकी हालत बहुत खराब थी। लिबास पानी में भीग कर बदन से चिपक गया था। बालों से पानी टपक रहा था और उसकी तमाम शानो शौकत हवा हो गई थी। चेहरे की जिल्द कई जगहों से फट कर खून उगलने लगी थी जिसकी वजह से शर्ट का अगला हिस्सा सुर्ख हो गया था। उसने खाले को गालियों से नवाजा और निबट लेने की धमकियां देते हुए तेज तेज चलता हुआ दूर हो गया। उसका रुख भी चमनजार के बड़े गेट की तरफ था। लोगों ने खाले को छोड़ दिया। लोग माजरा पूछ रहे थे। ऐसे में एक आदमी ने जल्दी से कहा, पुलिस आ रही है, भागो। तमाशा ये देखे बगैर के पुलिस किस तरफ से आ रही है, भाग उठे। चंदी लम्बोबाद मैं और खाला अकेले रह गए। मैंने घबराई हुई नजरों से इर्द गिर्द देखा। तीन सिपाही तेज तेज कदमों से चलते हुए गेट की तरफ से जायवकवा की तरफ आते दिखाई दिए। मैंने खाले को आंख के इशारे से भाग जाने को कहा। उसकी आंखों में खौफ की परछाइयां लर्जी और वो मेरे देखते ही देखते पिंगोड़े वाले अहाते की तरफ भाग निकला। पुलिस वालों ने उसे फरार होते देख लिया। वहीं से सीध के और उसके पीछे भाग खड़े हुए। उनकी रफ्तार चुगली खाती थी कि वो खाले की गर्द को भी नहीं पहुंच पाएंगे। छोटी सी मस्तूई पहाड़ी के अकब में जाकर फर्ज निभाने वाले तीनों सिपाही मेरी निगाहों से ओझल हो गए। मैं सब घबराया हुआ था मगर चूंकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया था इसलिए मैंने भागने की गलती नहीं की। खाले का साफा हनूज घास पर पड़ा था। उसे झाड़कर कंधे पर डाला और वहीं घास पर बैठ गया। काफी देर गुजर गई। अचानक मेरे कानों में बूटों की धमक गूंजी। गर्दन मोड़कर देखा तो तीनों सिपाही खड़े हांप रहे थे। एक बोला, ओए जवान, यहां लड़ने वाले कौन थे? मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाकर जवाब दिया। एक शख्स ने पैंट शर्ट पहन रखी थी, लंबे बाल और लंबा कद था उसका, और दूसरा। मैंने खाले का हुलिया भी बयान कर दिया। तुम जानते हो उन्हें क्या? नहीं। इसी अस्ना में भाग जाने वाले तमाशाइयों ने फिर हल्का बांध दिया। पुलिस वालों ने बिलखसूस किसी को मुखातिब किए बगैर पूछा, तुम में से कोई जानता उन लौंडों को? एक 10-11 साल बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा, मैं बताऊं अंकल? सिपाही मुतवज्जो हुआ। वो खुश होकर बोला, तुम जानते हो? जी अंकल। बच्चा शरारत आमेज मासूमियत से बोला, एक शॉन माइकल था और दूसरा अंडरटेकर। सच अंकल,
मजा आ गया दोनों को एक्शन देखकर। उसके एक हम उम्र साथी ने कहा, आज तो अंडरटेकर दुम दबाकर भाग निकला, शॉन माइकल इज द ग्रेट रेसलर। लोगों की बेसाख्ता मुस्कुराहटों पर सिपाही खिसिया आ गया। तफरी की गर्ज से आने वाले किसी को नहीं जानते, अपनी मौज मस्ती में गुम होते हैं वो। सभी ने इनकार किया। एक सिपाही बोला, चलो शरीफ अली, हमें देखकर दोनों ही भाग गए। अब इन बेचारों को क्या पता कि वो कौन थे। चलो भाई मजमा खत्म करो और चलो शाबाश। अगर उन दोनों में से कोई दिखाई दे तो फौरन हमें गेट पर मुत्तला करना, ठीक है ना। उसने डंडा लहराकर तमाशाइयों को तितर बितर किया और गेट की तरफ बढ़ गए। मेरी जान में जान आई। मैं पहाड़ी के पास एक ऊंची जगह पर खड़े होकर ताका झांकी करने लगा। खाला दिखाई नहीं दिया, कहीं छुप गया था या चमनजार से निकल भागने में कामयाब हो गया था। मुझे वो हीरो टाइप शख्स भी कहीं नजर नहीं आया। वो अपने डील डॉल से हार मानने वाला नहीं लगता था। मेरा अंदाजा था कि वो अपने साथियों को बुलाने के लिए भाग निकला था या खाले से निपटने के लिए कोई असलाह लेने गया था। मेरा ख्याल ठीक निकला। लंबे बालों वाला मोबी दो साथियों समेत आता दिखाई दिया। वो चिड़ियाघर वाली सिम से बरामद हुआ था। उसने शर्ट के उतार फेंकी थी और अब हाई नेक बनियान पहन रखी थी। बाल सूख गए थे जबकि पैंट अभी गीली थी। तीनों ने जायकों पर खड़े होकर अतराफ में नजरें दौड़ाई। खाला वहां होता तो दिखाई देता। मोबी कमर पर हाथ रखे वहीं रुक गया जबकि उसके दोनों साथी पार्क में इधर उधर घूमने लगे। मुझे उनकी हिमाकत पर हंसी आई। जिसने खाले को देख रखा था वो वहीं खड़ा था, जबकि जो उसकी शक्ल से नाश्ना थे वो उसे तलाश करने के लिए निकल खड़े हुए थे। मोबी मुस्तरबाना अंदाज में टहलते हुए मेरे करीब आया। दोनों हाथों की उंगलियों से बालों को पेशानी से हटाते हुए बड़बड़ा कर बोला, जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे को। किसको तलाश कर रहे हैं आप, मैंने पूछा। उसने गुस्से भरी निगाह मुझ पर डाली और हंकारा भर कर रह गया, अभी पुलिस वाले आपको तलाश करते फिर रहे थे। पुलिस वालों की तो, उसने नहायत वाहियात लहजे में कहा, फिर टिटक गया। तुम कितनी देर से यहाँ हो? जब आपकी लड़ाई हो रही थी तब यहाँ आया था। मेरे साथ लड़ने वाला किधर गया? उसूलन तो उसे पूछना चाहिए था कि उसे मार मार कर अतमुआ करने वाला कहाँ गया, मगर वो मार खाने वाली बात को सिरे से गोल कर गया था। ऐसा एतराफ़ करने से अनापा चोट पड़ती थी। मैंने मुखालिफ सिंह में हाथ का इशारा किया, उधर भाग गया। पुलिस वाले उसके पीछे लगे हुए थे, पर वो था कौन? मैं उस हरामजादे को नहीं जानता। तो फिर लड़ाई क्यों हुई थी? उसने कोई जवाब ना दिया। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। खासा खूबरू इंसान था मगर खाले की ठोकरों ने उसका हुलिया बिगाड़ के रख दिया था। ऐसे में उसके साथी बेनीलो मराम लौट आए। उनकी बाहमी गुफ्तगू सुनकर मुझे इल्म हुआ कि उस हीरो टाइप शख्स का पूरा नाम महबूबुल हसन था। तीनों खाले को गायबाना गालियां देते हुए रुखसत हो गए। खाले ने किसी तरफ से भी सर नहीं निकाला था। गालिब ख्याल यही था कि वो अपना काम करके रुखसत हो गया था। मैंने भी चमनजार से निकलने का इरादा कर लिया। उसका इंतजार फजूल था। पार्किंग एरिया में मोबी और उसके दोनों साथी एक कार में बैठे दिखाई दिए। वो अभी भी खोजती नजरों से गेट की तरफ देख रहे थे।